हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं नमन अग्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं मैथ्स मंथन में। आई होप वॉइस वगैरह सब क्लियर होगी, सब क्लियर है ना, ऑल सेट। चलो, अरे झांसी सेंटर है, आगरा सेंटर है, बड़े जगह सेंटर है, सारे सेंटर ही डिस्कस करोगे क्या, होशियार हो। चलो, अब वॉइस आ रही होगी भाई। स्टडी आता बॉबी, स्टडी आता तो मैं गुस्सा क्यों आ रहा है। चलिए, आई होप अब सब क्लियर होगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आज का जो सेशन है वो है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है सर। साउंड नहीं आ रही है, अब वॉइस क्लियर है भाई? सर वॉइस क्लियर है? अब चलिए सर, क्लियर है, थैंक यू। चलो दोस्त, आज का जो चैप्टर है वो लेके आया हूँ लाभ हानि और बट्टा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। बहुत था मैंने जो कमेंट्स पढ़े थे, काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे सर प्रॉफिट एंड लॉस करवा दो, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट करा दो, तो उसका सेशन हम लेके आए, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जिसको आता है उसके लिए अच्छा है, रिविजन हो जाएगा, जिसको नहीं आता उसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहले मैं जल्दी से बेसिक डिस्कस करूंगा, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। चलो भाई, सेशन पसंद आए तो लाइक करते चलिएगा। देखो, इसमें एक होता है अंकित मूल्य। क्या होता है? एक होता है अंकित मूल्य, ठीक है। एक होता है अंकित मूल्य को हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलता हूं? मार्क प्राइस। क्या बोलता हूं भाई? मार्क प्राइस। दूसरा होता है छूट, जिसे मैं बोलता हूं बट्टा, ठीक है, इंग्लिश में बोलता हूं डिस्काउंट। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। आगे आता है प्रॉफिट या लॉस, यानी लाभ और हानि, ठीक है भाई, लाभ हानि। और लास्ट में क्या आता है? लास्ट में आता है, यह मैं यहां लिख रहा हूं, ऊपर लिख रहा हूं, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब समझना क्या क्या होता है। देखो जल्दी से पहले ये चीज समझ लो, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। हाँ रवि गौतम, मुझे पता है दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करूंगा, लेकिन काफी स्टूडेंट ऐसे हैं, 10 दिन का कोर्स है मेरा, कि मैं चाह रहा हूं जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोग भी पढ़ लें। तो प्लीज आप लोग, आप कह रहे हो क्वेश्चन पे फोकस करो, तो वो चीज भी आएगी, जो चल रहा है एक बार वो देख लो पहले। क्या हुआ समझना, देखो अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य होता है, सपोज ये मार्कर मैं खरीदने गया, मैंने क्या करा, मैं खरीदने जाता से, तो सपोज का अंकित मूल्य 1000 रुपए है। अंकित मूल्य क्या है? 1000 रुपए है। शॉपकीपर क्या कर रहा है? 100 रुपए की छूट दे रहा है। अंकित मूल्य कितना है? 1000 रुपए है। शॉपकीपर मुझे छूट दे रहा है, ठीक है। दुकानदार क्या कर रहा है? 100 रुपए की छूट दे रहा है। तो यानी वो कितने का बेच रहा है? वो बेच रहा है 900 रुपए का, ठीक है भाई। वो कितने का बेच रहा है? वो बेच रहा है 900 रुपए का। अब देखो, मैंने माना ये उसने जो खरीदा था वो कितने खरीदा था? 700 खरीदा था। जो चीज मैंने खरीदी है, जितने की खरीदी है, वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है, यानी क्रय मूल्य होता है। देखो मार्कर मेरे घर से तो बन नहीं रहा, मार्कर मैं कहीं ना कहीं से मंगवा रहा हूं, तो मेरे को जो मार्कर मंगवाने के बाद पड़ा वो 700 रुपए का पड़ा, उस पर अंकित मूल्य 1000 रुपए था, 100 रुपए की मैंने छूट दे दी, कितने का बेचा? 900 रुपए का, यानी विक्रय मूल्य कितना था? 900 रुपए का। अब मैंने 900 का बेचा, 700 में खरीदा था, तो यानी क्या हुआ? 200 रुपए का लाभ हो गया। क्या हुआ? 200 रुपए का लाभ हो गया। तो देखो क्वेश्चन में 2-3 चीजें पूछता है, वो मैं लिखवा रहा हूं। एक होता है डिस्काउंट प्रतिशत, डिस्काउंट परसेंटेज, मैं दोनों में लिखवा दूंगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, टेंशन मत लेना। डिस्काउंट परसेंटेज यानी बट्टा प्रतिशत, ठीक है, बट्टा प्रतिशत। वो क्या होता है? कितने की छूट मिली डिवाइड बाई अंकित मूल्य इंटू में 100, ठीक है भाई। कितने की छूट मिली, ऊपर लिखा, किससे भाग दिया, ये क्या होता है? डिस्काउंट परसेंटेज निकाल। और दूसरा होता है लाभ हानि है, कितने का लाभ हुआ या कितने की हानि हुई डिवाइड बाई क्रय मूल्य और इनटू में, इसको हटा रहा हूं मैं, इनटू में 100, ठीक है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सेशन के लिए आज के। पहला क्या? लाभ और हानि प्रतिशत, कितने का लाभ, किस
दिया 100, क्लियर है? वॉइस क्लियर आ रही है ना यार? आप बार बार कहते हो तो बार आऊंगा दोस्त, मुझे नहीं आती होंगी। में दीजिएगा, दीजिएगा। अभी मैं कुछ एक चेक कर रहा हूँ कि वीडियो बिलिंग क्यों कर रहा है।